아직 못 알리고. राजस्थान सरकार में कला एवं सांस्कृतिक विभाग के सम्माननीय मंत्री आदरणीय वी डी कल्ला जी, राजस्थान सरकार के सम्माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रवि शर्मा जी, आदरणीय रमेश मीना जी, मेरे भाई विवेक बंसल जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्माननीय सचिव महोदय, आदरणीय मंत्री भाटी जी, कवि प्रदीप फाउंडेशन की सचिव महोदय, हेलो मेरी गुरु बहन, आदरणीय मितुल बहन, कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव आदरणीय श्रेया गुहा जी, उर्दू अकादमी के सम्माननीय मुजम अली साहब, आदरणीय जगदीश चंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित साहित्य और कला क्षेत्र के सभी दिग्गज, बहुत ही अनुभवी सभी श्रोतागण, अतिथिगण और विशेष रूप से आज के इस सुर संगम संध्या को एक यादगार बनाने के लिए नागपुर बॉम्बे से आए हुए हमारे सम्माननीय सचिन ढोमने जी, सुरभि ढोमने जी, डॉक्टर मनोज सालपेकर जी, उनकी समस्त टीम जो कि विशेष रूप से आज मैंने देखा कि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कवि प्रदीप जी के उन संस्मरणों को, उन रचनाओं को, उन गीतों को आप सबके बीच में पुनः एक बार उनकी स्मृति में साकार करने के लिए मैं हृदय से राजस्थान प्रदेश के हमारे सम्माननीय मंत्री महोदय बी डी कल्ला जी का और कला एवं सांस्कृतिक विभाग का विशेष रूप से आज यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जन्मदिवस के जन्म वर्ष के अवसर पर जहाँ पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा सांस्कृतिक एवं कला विभाग द्वारा, हमारे शिक्षण विभाग द्वारा और सरकार के अन्य विभागों द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति आज एक ऐसे वर्ष में जब उनका 150वां जन्म वर्षगांठ है, कवि प्रदीप जी का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक संयोग, बहुत अच्छा संयोग है। पिछले दिनों जब बी डी कल्ला जी ने मुझे विशेष रूप से जब कहा कि बापू के 150वें इस वर्षगांठ पर हम कवि प्रदीप जी का एक संध्या रखना चाहते हैं उनकी याद में, तो जैसा अभी बताया गया उनको शायद जानकारी उस समय उतनी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर उनसे कहा कि कवि प्रदीप जी के स्मृति में 6 फरवरी उनका जन्मदिवस है, अगर आप 6 फरवरी को रखते हैं तो उनका 150वीं ये वर्षगांठ जो है वो वाकई में बहुत अच्छा एक अवसर होगा। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इतना ही कहना चाहूँगा साथियों कि ये एक संयोग है कि राजस्थान सरकार ने कवि प्रदीप जी के ऊपर में जो सुर संगम ये कार्यक्रम रखा है, ये मात्र एक कार्यक्रम नहीं लेकिन बापू को एक सही रूप में श्रद्धांजलि है। कवि प्रदीप जी को हम सब पारिवारिक मित्र और आपस में जो भी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं और विशेष रूप से मैं भी उनको बापू ही कहा करता था, तो आज की ये जो सुर संगम की संध्या है ये हमको बापू से बापू तक उस महात्मा के स्मृति में, जिसने इस देश को ही नहीं पूरी दुनिया को एक नया
दृष्टिकोण दिया, भाईचारा दिया, प्रेम दिया, शांति का संदेश दिया, एक ऐसे शांति दूत की अलख को लेकर, उनके विचारों को लेकर अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत नज़दीकी से मैंने कवि प्रदीप जी को देखा और उन्होंने अपना पूरा जीवन गांधी जी के उन मूल्यों के आधार पर ना ही सिर्फ महसूस किया लेकिन उनने अपना जीवन गांधी जी के उन मूल्यों पर जिया है। मैं सौभाग्यशाली रहा कि अपने छात्र आंदोलन और उसके बाद युवा आंदोलन से जुड़ते हुए जब मैं उनके साथ जुड़ा तो मुझे स्वयं मालूम नहीं था कि एक दिन मैं उनका एक अनुज, एक प्रिय शिष्य, एक उनका जिसको सब बहुत ज़्यादा अनुराग मिला हो उसका पात्र मैं बन सकूँगा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अनेक ऐसे संस्मरण हैं, उनसे मैंने एक ही चीज़ सीखा कि राजनीति बिना सामाजिक नीति के नहीं हो सकती और अगर समाज में अगर सही मूल्यों की राजनीति करना हो तो समाज से जुड़कर सामाजिक जीवन में उसको अनुभव किए बिना आप राजनीति में सही निर्णय नहीं ले सकते। उन मूल्यों को मैंने समझने की, सीखने की कोशिश उनके सानिध्य में समय समय पर समझकर करने का कोशिश किया, अपने जीवन में थोड़ा बहुत उसे अनुकरण करने का मैं प्रयत्न करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि जीवन में और सामाजिक जीवन में बिना त्याग के आप कुछ हासिल कर सकते हैं या आत्मसंतोष महसूस कर सकते हैं ये असंभव है। अगर समाज में आपको सेवा प्रदान करनी है, अगर समाज की सेवा करनी है तो आपकी नियत, आपका आंतरिक मन उस चीज़ के लिए अनुभव कर सके तभी आप समाज की सेवा कर सकते हैं। उनके गीतों के माध्यम से आज जिस प्रकार से देश की वर्तमान परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, एक सामाजिक असुरक्षा पूरा देश महसूस कर रहा है, ऐसे अवसर पर आज से 70 साल पहले लिखे उनके गीतों के माध्यम से आप और हम सब ये महसूस करेंगे कि उस गीत ऋषि, उस महामहिम लेखक जिसकी लेखनी में सिर्फ कोई विचार नहीं है लेकिन पूरा संदेश समाज के लिए, मानव जीवन के लिए, प्रकृति के लिए और देश प्रेम के लिए कूट कूट कर भरा है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सब लोगों के बीच आज जो हमारे मित्रगण यहाँ पर आए हुए हैं, ये आने के बाद में श्री सचिन धोमने जी और सुरभि जी और साथ में डॉक्टर मनोज सालपेकर जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये तीनों विभूतियों के साथ में पिछले 20 वर्षों से जो कवि प्रदीप फाउंडेशन का जिक्र किया, ये फाउंडेशन का उद्देश्य, ये स्वचलित फाउंडेशन है। इसमें किसी पे फाउंडेशन का नाम उद्देश्य सिर्फ इसी है कि जहाँ पे लोगों को एक मंच पर लाया जाए, जहाँ पर अच्छे से अच्छे लेखकों को, चिकित्सकों को, समाज सेवकों को, एनवायरमेंट और हमारे जो हमारी व्यवस्था है उन सब से चुने लोगों को इस फाउंडेशन के माध्यम से प्रोत्साहित करने का कार्य समय समय पर हम करते रहे हैं। माननीय मितुलबेन और साथ ही हमारे जुड़े हुए अनेक ऐसे पत्रकार, साहित्यकार, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये अपने सब वॉलेंट्रीली स्वेच्छा से इस संस्था में काम करते हैं। ये संस्था मात्र सेवा के लिए बनी हुई है और इसमें कोशिश यही की जाती है कि कवि प्रदीप जी के विचारों को, उनके संदेश को देश में और दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैला सकें ताकि लोक कल्याण हो, लोगों के सोच और विचार में और प्रदृढ़ता के साथ एक सही दिशा में वो चल सकें। मैं पुनः एक बार राजस्थान सरकार का, आदरणीय बीडी कल्ला जी का, हमारे उर्दू एकेडमी के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आज की संध्या में आप सब कवि प्रदीप जी की रचनाओं को, उनकी भावनाओं को दिल से महसूस कर सकें, यही एक कोशिश सुर संगम, ये हमारी जो टीम है,
वो मुझे अच्छा दिखा लगा कि वो आज यहाँ पर उनको आमंत्रित किया गया है। इसने ना ही सिर्फ भारत में लेकिन विदेशों में भी अनेक जगह कवि प्रदीप के अपने विचारों को का प्रचार और प्रसार अपने सुर संगम के माध्यम से किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मुझे यहाँ आमंत्रित किया इसके लिए आदरणीय कल्ला जी का, राजस्थान सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।